Hi friends, please like and subscribe my channel. तो friends देखिए मेरा ये फ्रिज तो रेडी हो गया है. कैसा दिख रहा है फ्रिज? क्योंकि हमने ये प्लेन चार्ट पेपर यूज किया था, इसलिए हम ये मार्केट से ये स्टिकर लेके आए थे और हमने ये चिपका दिया. आपको पता है ये मेरे फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है. और आपको पता है हमने ये लॉक कैसे बनाया? एक्चुअली हमने ना इसको यहाँ पे ऐसे ये लगा दिया है स्क्रू, और यहाँ पे ये लगा दिया है. फिर हम इसमें ऐसे रबर बैंड लगा सकते हैं. फिर आप उसको ऐसे खोल के देखिए, ये खुलता है ना. अभी मैं आपको ऊपर का भी हमने ऐसे ही सेम किया है. मैं आपको खोल के दिखाती हूँ. आप देखिए अंदर अच्छा लग रहा है ना. मैंने यहाँ पे अपनी आइसक्रीम्स भी रखी हैं और कुछ थोड़ा सा सामान. चलो मैं आपको नीचे का भी खोल के दिखाती हूँ. ये देखिए यहाँ पे मेरे पास कितना अच्छा दिख रहा है ना. यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें रखी हैं और यहाँ पे मेरे वेजिटेबल्स. देखा कितना अच्छा लग रहा है ना. ये फ्रिज तो बहुत अच्छा है. देखिए यहाँ पे मैंने जूस रखा है, सॉस रखी है, एग्स रखे हैं और मैंने केक भी रखा है. और पता है मैंने ना ये अपना वेजिटेबल्स रखने का ट्रांसपेरेंट रखा है ताकि मेरे वेजिटेबल्स दिखते रहें. देखो कितने अच्छा दिख रहा है. यहाँ पे ना मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं. डोनट्स भी हैं मेरे पास, जैम भी है. और ऊपर का, और ये मेरा फेवरेट कलर है पिंक. हेलो फ्रेंड्स, आई एम चार्मी. वेलकम बैक टू माय चैनल. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू मेक अ फ्रिज फॉर किड्स एंड एट होम विद कार्डबोर्ड. सो लेट मी टेल यू द मटेरियल्स. तो फ्रिज बनाने के लिए हमें चाहिए एक कार्डबोर्ड बॉक्स, जो कि आप ये देख सकते हैं, और हमें चाहिए चार्ट पेपर, हॉट ग्लू गन और नॉर्मल ग्लू, टेप, सीजर और कटर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फ्रिज बनाने के लिए आपको इतना बड़ा बॉक्स चाहिए, और अगर आपके पास इतना बड़ा बॉक्स नहीं है तो फिर आपको एक छोटा बॉक्स भी यूज कर सकते हैं, उससे भी बन जाएगा. तो पहले आपको इस पे ऐसे ये निशान लगाने हैं, मार्क्स बनाने हैं, है ना, फ्रिज के डोर्स के लिए. ये होगा ऊपर का और ये नीचे का. तो अभी मैंने ये ऐसे निशान लगा दिए हैं, आपको भी ऐसे लगाने हैं. अब हम इसको कट करेंगे. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको ऐसे निशान बना लेने हैं और इसको ऐसे कट कर लेना है. और हाँ, कट करने के बाद आपको इसको ना सारी साइड्स ऐसे टेप कर लेनी है. हमने ना हर जगह ऐसे टेप कर लिया है ना, ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन जाए. अगर आप ऐसे टेप नहीं करेंगे तो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा जितना वो होना चाहिए. अभी टेप करने के बाद ये बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया है. अभी आप देखिए आगे क्या करते हैं. तो फ्रेंड्स, मैंने इसको ऐसे कट कर लिया है. ये हमारे फ्रिज की शेल्व्स हैं. एक हम इधर लगाएंगे, एक इधर और एक इधर. और ये देखिए, ये मेरी सब्जी रखने के लिए. आप ध्यान से देख लीजिए, मैंने ना इसको ऐसे कट करके लगा लिया है. अभी हम इसके यहाँ पे अंदर पॉलिथीन लगाएंगे. अब हम इसको व्हाइट चार्ट पेपर से पूरा कवर कर लेंगे अंदर के साइड से. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसको व्हाइट चार्ट पेपर से इस तरीके से कवर कर लिया है. तो हमने फ्रंट पार्ट से हमारे फ्रिज को पिंक पेपर से ऐसे कवर कर लिया है. तो देखिए, हमने हमारे फ्रिज में शेल्फ भी लगा दी हैं और हॉट ग्लू गन से ये अच्छे से चिपक गया है. एंड दिस इज द फाइनल लुक ऑफ माई फ्रिज. अच्छा दिख रहा है ना.
आपको पता है मेरे पास ना एक किचन भी है। अगर आपने मेरा किचन वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और फिर मैं और भी खूब सारे वीडियोस लाऊंगी अपने किचन और फ्रिज के साथ। बाय बाय।